लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर 6 पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समन से रिलेटेड प्रोविजंस पे, और चैप्टर 6 का संबंध है प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस। दैट मींस कि कोर्ट में कैसे किसी व्यक्ति को कंपेल करती है, किस प्रोसीजर के थ्रू, इसके संबंध में ही है प्रावधान चैप्टर 6 में। और उसका जो पहला हिस्सा है समन, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर को और स्टार्ट करते हैं। देखिए समन के सबसे जो प्रोविजन है समन से रिलेटेड सीआरपीसी में वो है 61 से 69 सेक्शन। तो पहले हम लोग को यह समझना होगा कि यहां जो टॉपिक का जो आज का जो हेडिंग है प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस, दैट मींस कि इस प्रोसेस के अंतर्गत और कौन कौन से मींस आते हैं। जैसे एक समन आता है, समन पहला स्टेज होता है दोस्तों, पहला स्टेप होता है यू कह लीजिए कोर्ट का, कि जिसके थ्रू कोर्ट में किसी व्यक्ति को अपेयर होने को लेके कंपेल किया जाता है। ठीक है, अगर समन पे व्यक्ति नहीं आता है तो उसके खिलाफ वारंट इश्यू होता है, वारंट पे भी नहीं आता है तो उसके बाद प्रोक्लामेशन इश्यू होता है। तो अगर आप इस तरीके से करीब बना के जोड़ते हुए चले गए तो चैप्टर 6 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत आसानी से। तो आज हम लोग पहले जाते हैं समन पे। ठीक है, तो समन होता क्या है, इसके मीनिंग पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो समन एक प्रकार का लीगल नोटिस है। अब एक प्रकार का लीगल नोटिस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट यह होता है कि जिस व्यक्ति को यह समन इश्यू हो रहा होता है उस व्यक्ति को यह कहा जाता है इस लीगल नोटिस के माध्यम से कि आपको इस पर्पस के लिए, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो विटनेस है तो उसको सबूत एविडेंस प्रोड्यूस करने के संबंध में, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट एग्जामिन करना चाहती है तो उस कोर्ट उस डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन को लेके उसको समन इश्यू हो सकता है। तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कोर्ट आना है। ठीक है, स्पेसिफाइड डेट में, ठीक है, क्लियर है, और स्पेसिफाइड टाइम में। तो इस समन को हम लोग लीगल नोटिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर, और इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रोविजंस पे जो सीआरपीसी में दी गई है चैप्टर 6। तो सबसे पहले सेक्शन 61 देखते हैं। सेक्शन 61 बताता है कि फॉर्म ऑफ समन, समन का क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहला बात, जब भी समन इश्यू होता है और समन का फॉर्म का बात उठता है तो ओरल समन कोर्ट कभी इश्यू नहीं करती है। ठीक है, जब भी समन इश्यू होगा तो रिटन, मतलब समन जब भी होगा तो लिखित में ही होगा। ठीक है, और दूसरा इन डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, अब एक तो समन लिखित में होना आवश्यक है, दूसरा उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, डुप्लीकेट। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है कि जो समन है ना वो समन मस्ट बी साइन, उस समन पे जो कोर्ट के द्वारा इश्यू हुआ है उस पे सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो सिग्नेचर किसका आवश्यक होना, जिस कोर्ट के द्वारा समन इश्यू हो रहा है उस कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा उस समन पे साइन होना आवश्यक है, पहला। दूसरा क्या कहता है कि या उस ऑफिसर के द्वारा जिस ऑफिसर को नियुक्त किया गया इस संबंध में हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए क्या कहता है कि जब भी समन जो है समन का फॉर्म का जो चौथा पार्टिकुलर है वो क्या कहता है कि उस पे मुहर होना आवश्यक है, किस कोर्ट का, तो उस कोर्ट का जिस कोर्ट ने समन इश्यू किया है। ठीक है, क्लियर है, लिखित में होना चाहिए, डुप्लीकेट इन डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, उस समन पे साइन होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, किस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, उस किस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जिस कोर्ट के द्वारा समन इश्यू हुआ है। ठीक है, या फिर अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, ठीक है, तो एक ऑप्शन देता है कि उस ऑफिसर के द्वारा जिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, और उसमें मुहर होगा, सीन होगा उस कोर्ट का जिस कोर्ट ने समन को इश्यू किया है। क्लियर है, अब आते हैं 62 सेक्शन पर। ठीक है, 62 सेक्शन कहता है कि समन सर्व्ड कैसे होगा, दैट मींस कि अगर किसी व्यक्ति को समन इश्यू हुआ है तो उस व्यक्ति को समन आखिर सर्व होगा कैसे। ठीक है, उसको समन कैसे दिया जाएगा, तो सबसे पहले देखिए कैसे दिया जाएगा, इस पे आंसर पहले आप ये देखिए कि किसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला पुलिस ऑफिसर के द्वारा समन सर्व हो सकता है, पहला। दूसरा कि कोर्ट का अगर कोई ऑफिसर है तो उसके द्वारा समन सर्व होगा। ठीक है, या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा समन सर्व होगा। ठीक है, तीन बात। अब समन जो सर्व होगा
तो किसको होगा, किसके द्वारा होगा, ये क्लियर हो गया किसको होगा। तो 62 कहता है जनरल रूल के बारे में कि जनरली समन उसी व्यक्ति को सर्व्ड होगा जिसके नाम से समन इशू हुआ है। ठीक है, ये जनरल रूल है, समझ में आ रहा है बात ना। अब आइए कि समन सर्व किसको, किसके द्वारा होगा, किसको होगा। ठीक है, अब जिसको होगा समन सर्व उसका एक ड्यूटी होता है कि वो अगर वो समन रिसीव किया है तो उसके बाद उसको उस समन के डुप्लीकेट पे एक्नॉलेज करना होता है इस बात का उसने समन रिसीव किया है। क्लियर है। अब आता है कि जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि समन सर्व्ड कैसे होगा, तो जो व्यक्ति समन सर्व्ड कर रहा है वो कैसे सर्व करेगा समन। तो पहला बाय डिलीवरिंग दी कॉपी ऑफ दी समन, या फिर आप कह सकते हैं डुप्लीकेट ऑफ दी समन। ठीक है, एक कॉपी एक प्रति दे देगा समन का उस व्यक्ति को जिसके नाम से समन इश्यू हुआ है, और उस कॉपी को रिसीव करने का उसको एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ मैंने एक कॉपी एक डुप्लीकेट समन का एक, ठीक है, उसको रख लिया है, मैंने रिसीव किया है। ठीक है, इस बात का एक्नॉलेजमेंट करना होगा पर्सन जिसको सर्व हुआ समन। अब आइए सेक्शन 63 क्या कहता है। सेक्शन 63 कहता है कि अगर मान लीजिए कि सर्विस होना है समन, ठीक है, दैट मीन कि समन जो है सर्व होना है किसको, कॉर्पोरेट बॉडीज को होना है या फिर सोसाइटी को होना है। दैट मीन कि समन जो इश्यू हुआ है किसके नाम से हुआ है, किसी कॉर्पोरेट बॉडी के नाम से हुआ है या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम से इश्यू हुआ है, तो फिर ऐसे समन किसको सर्व होंगे। ठीक है, तो इस कॉर्पोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी के जो लोकल मैनेजर होंगे, ठीक है, उसको सर्व होगा, या फिर अगर कोई सेक्रेटरी है रजिस्टर्ड सोसाइटी का या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज का, तो फिर उस सेक्रेटरी को समन सर्व होगा। क्लियर है 63। अब ये 64 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के नाम से समन इश्यू हुआ और जिस व्यक्ति को समन सर्व होना है, अब वह व्यक्ति जो है मिल नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा बात, वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो फिर ऐसे हालात में समन सर्व होगा तो कैसे होगा। तो इसको लेके 64 कहता है सेक्शन कि उस व्यक्ति के परिवार का कोई एक मेल सदस्य को समन सर्व हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति को समन सर्व हो चुका है जिसके नाम से समन इश्यू हुआ था। क्लियर। तो 64 के अनुसार किसको समन सर्व हो रहा है, अगर जिस व्यक्ति के नाम से समन इश्यू हुआ है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसे हालात में जो व्यक्ति समन सर्व कर रहा है वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति के नाम से समन इश्यू हुआ है उस व्यक्ति के परिवार के किसी एक मेल सदस्य को समन सर्व कर देगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात दो है, पहला कि मेल सदस्य को, ठीक है, जो पुरुष वर्ग होंगे, और दूसरा कि सर्वेंट परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर। 64, 65 आते हैं हम लोग। अब 65 दोस्तों क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा सर्कमस्टांस अराइज हुआ कि समन जो है उसका सर्विस जो है समन का वो अफेक्ट नहीं हो पाया, या फिर समन सर्व नहीं हो पाया जिसको सर्व होना था 62 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 63 के अकॉर्डिंग, 64 के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि 62, 63, 64 के अकॉर्डिंग अगर सर्विस जो है इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, जिस व्यक्ति को समन सर्व होना था उस व्यक्ति को समन सर्व नहीं हो पाया, तो ऐसे परिस्थिति में जो प्रोसीजर फॉलो होगा उसके लिए हम लोग को देखना होता है 65 कहता है कि ऐसे कंडीशन में जो सर्विंग ऑफिसर होगा जो समन सर्व कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक डुप्लीकेट समन का जो एक डुप्लीकेट जो एक प्रति क्या करेगा, चिपका देगा। कहां चिपकाएगा, तो उस हाउस में जो हाउस में वह व्यक्ति जिसके नाम से समन इश्यू हुआ है वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, आमतौर पे वो उस घर में अगर वो व्यक्ति रहता है तो उस घर के बाहर, ठीक है, क्या करेगा, एक जो समन का प्रति है डुप्लीकेट उसको चिपका देगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा कि उसके बाद इस बात जो सर्विंग ऑफिसर है ये इस बात को एक्नॉलेज करेगा, किसको करेगा, कोर्ट को करेगा कि मैंने सर्विस समन का इस प्रकार किया 65 के अकॉर्डिंग, एक कॉपी को, दैट मीन्स कि समन का एक डुप्लीकेट को हमने चिपका दिया है उस व्यक्ति के हाउस के बाहर। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद जो कोर्ट क्या करेगी, प्रोसीजर जो फॉलो करेगी कोर्ट, यह करेगी कि कोर्ट इस संबंध में ड्यू इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं वाकई में सर्विस समन जो सर्विस है समन का वो हो चुका है उस व्यक्ति को, अगर ठीक है तो निर्देश देगी इस संबंध में कोर्ट कि हाँ समन ड्यूली सर्व हो चुका है उस व्यक्ति को। ठीक है, या फिर यहां पे एक और चीज कोर्ट कर सकती है, अगर कोर्ट को यह नहीं लगता है तो कि वह निर्देश देगी कि दोबारा से समन इश्यू हो। क्लियर है। अब आते हैं 66 सेक्शन क्या कहता है। अब 66 सेक्शन दोस्तों यह कहता है कि
अब जिस व्यक्ति को समन इश्यू हो रहा है वो जो है क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, क्लियर बात है, वो व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। तो अगर मान लीजिए इनके 62 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को समन सर्व नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ भी बात हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, यहां तक कि ये भी हो सकता है कि उसको जब समन सर्व हो रहा था वो उसको रिसीव नहीं किया, ठीक है, या फिर 65 के तहत उसके घर के बाहर अगर मान लीजिए समन का एक डुप्लीकेट नहीं चिपकाया गया है और यह फैक्ट पता चलता है कोर्ट को कि वह पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर 66 के अनुसार दोस्तों क्या होगा, समन जो है सर्व होगा किसको, तो उस पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस के जो हेड होंगे उसको समन सर्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वह हेड क्या करेंगे, हेड ऑफ द ऑफिस जिसके ऑफिस में वह पब्लिक सर्वेंट जिसको समन इश्यू हुआ है जिसके नाम से, ठीक है, वह उसको समन देंगे, ठीक है, और कोर्ट यह मान लेगी कि जैसे हेड ऑफ द ऑफिस को समन सर्व हुआ, यह मान लेगी जिस व्यक्ति के नाम से समन इश्यू हुआ था उस व्यक्ति को समन सर्व हो चुका है, आगे की कार्रवाई बढ़ाया जाए, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया 66। अब 67 में आते हैं। 67 कहता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए सर्विस होना है समन का आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, दैट मीन्स कि कोर्ट जिस कोर्ट के द्वारा समन इशू हो रहा है वह कोर्ट चाहती है कि उसका यह समन उसके लोकल लिमिट के बाहर, दैट मीन्स कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर सर्विस हो ऐसे समन का, ठीक है, दैट मीन्स कि जिस व्यक्ति के नाम से समन इशू हुआ है वह व्यक्ति उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं रहता है जिस कोर्ट ने समन को इशू किया है, वह किसी दूसरे कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में रहता है। तो ऐसे हालात में हमको 67 का सहारा लेना होगा और 67 जो है उसका जो प्रोविजन वो यह कहता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करेगी मजिस्ट्रेट, वह डुप्लीकेट जो है समन का, ठीक है, क्या करेगी, उसको डुप्लीकेट समन का सेंड कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट को जिस मजिस्ट्रेट या कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वह व्यक्ति रहता है जिसके नाम से समन इश्यू हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि जिसको समन सर्व होना है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह व्यक्ति जिसके नाम से समन इश्यू हुआ है या फिर जिसको समन सर्व होना है वह उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं रह रहा है, क्लियर है, वो किसी दूसरे कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहा है, तो ही जो सर्विस है 67 के अनुसार समन का वो इन्फोर्स होगा, क्लियर है। अब 68 क्या कहता है, देखिए 68 कहता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि सर्विस जो हुआ समन का, ठीक है, वो सर्विंग ऑफिसर के द्वारा हुआ पहला, या फिर दूसरा कंडीशन कि जो सर्विस हुआ है समन का वो हुआ आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो अब यहां पे इस दो सर्कमस्टांसेस में जो प्रूफ होगा कि सर्विस जो है एक्चुअली में इफेक्टेड हो चुका है, ठीक है, प्रभावित हो चुका है, समन जो सर्व हो चुका है उस व्यक्ति को, ठीक है, ये कैसे प्रूफ होगा ना, इसको लेके ही 68 कहता है कि अगर मान लीजिए सर्विंग ऑफिसर ने समन सर्व कर दिया, ठीक है, उस व्यक्ति को समन दे दिया जिसको जिसके नाम से समन इश्यू हुआ था, तो फिर यहां पे इस बात को लेके सर्विंग ऑफिसर जो है बिफोर कोर्ट जिस कोर्ट के द्वारा समन इश्यू हुआ है उस कोर्ट के समक्ष एक एफिडेविट बनाएगा जिसमें अपने बातों को लिखेगा कि मैंने समन उस व्यक्ति को सर्व किया है, उस व्यक्ति ने उस समन को एक्नॉलेज भी किया है कि उसने रिसीव किया है इस संबंध में, ठीक है। तो यहां पर दो बात कि यहां पे वो जो सर्विंग ऑफिसर जो एफिडेविट तैयार किया उस एफिडेविट के माध्यम से यह साबित किया जा सकता है कि सर्विस जो है समन का हुआ है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा पॉइंट दोस्तों 68 कहता है कि अगर मान लीजिए कि सर्विस समन का होना है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, ठीक है, तो ऐसे हालात में क्या होगा, कैसे प्रूव होगा कि जो समन का जो डुप्लीकेट उस कोर्ट को दिया गया था जिस कोर्ट के द्वारा या जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा सर्विस होना था समन का, ठीक है, तो उस डुप्लीकेट के द्वारा भी यह प्रूव हो सकता है कि वाकई में सर्विस जो है समन का हुआ है उस व्यक्ति को जिसके नाम से समन इशू हुआ था, क्लियर है 68। अब 69 दोस्तों जो आज का लास्ट सेक्शन है समन को लेके वो क्या है 69। अब मान लीजिए कि विटनेस 69 कहता है कि अगर 69 के अकॉर्डिंग कि विटनेस को जो समन इश्यू होगा 69 कहता है कि विटनेस को समन इश्यू हो सकता है बाय पोस्ट भी, पोस्ट के माध्यम से भी विटनेस को गवाह को समन इश्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 पे डिस्कस किया सीआरपीसी के
ठीक है 1973 के चैप्टर 6 पे डिस्कस किया इसका संबंध था प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस, ठीक है, कि कोर्ट में कैसे कैसे किसी व्यक्ति को कंपेल किया जाएगा उपस्थित होने को लेके। तो जो सबसे पहला था वो समन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए एक करी बनाते जब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए समन इश्यू हुआ जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति समन पे नहीं आया, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट कि वारंट पे उसको, उसके खिलाफ वारंट जो होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए वारंट पे भी नहीं आया वो व्यक्ति, ठीक है, कोर्ट में, तो फिर उसके बाद का जो प्रोविजन है देखिए आपको देखेगा प्रोक्लामेशन का। अब प्रोक्लामेशन भी इश्यू हो चुका है तो भी वो व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है कोर्ट में, तो फिर उसका जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट होगा, जिसको हम लोग आम भाषा में कुर्की जब्ती कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बना हुआ है एक स्टेज बाय स्टेज। तो पहला स्टेज समन था, तो समन को लेकर हम लोगों ने 61 से लेकर 69 सेक्शन तक क्लियर डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।